ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ 9 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਰੈਣ ਗਰਗ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 71 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ हवाले किया। असी कह दईए कि साडियां पढ़न वालियां बेटियां भी अज इत्थे सुरक्षित नहीं महसूस कर रही जिहड़ी कि वह बस के उत्तों अपने पढ़न लई स्कूल जा रही सी ते उहनू भी इह नौजवान वल्लों शरेआम भीड़ भड़े इलाके दे विच बस स्टैंड दे विच हरकत की गई। तुसीं इहदे उत्ते अपने अपने कमेंट दिओ भी की कहना चाहुंदे हो। आ जो दिखा रहे हां तुहानू इत्थे असी पूरी रिपोर्ट। जी 15 साल की लड़की सरकारी स्कूल के पढ़ती सी ते उनू कुटमार की है वो अश्लील हरकत कीतियां ने और काफ़ी लत्त लुत्त मारी। मौजूद ने शहर के समाज सेवी काका उप्पल जी। भीर जी तुसी की कहना चाहते हो इस मामले पर? यह भीर जी तकरीबन मेरे को लगभग 9:30 तो अपना सॉरी 8:30 तो 9 बजे के दरम्यान मेरे को फोन आया भी ऐ करके बस स्टैंड सरदूगढ़ के बस स्टैंड कुछ शरारती अंसर ने एक जी 15 साल की लड़की सरकारी स्कूल के पढ़ती सी तो उन्होंने कुटमार की है वो अश्लील हरकत कीतिया ने और काफ़ी लत्त लुत्त मारिया ने। उस तो बाद मैं इमीजिएटली उत्थे पहुँचा। पहुँचने तो बाद बच्ची मैं चक के जी बच्ची उस टाइम बेहोश सी उस तो बाद लैके आ गए भी हस्पताल एडमिट करवाया। इस टाइम जो ट्रीटमेंट डॉक्टर सिविल होस्पिटल सरदूगढ़ चल रहा है और मैं मानयोग SSP साहब को बेनती करता भी साडियां बच्चियां जे दिने ही इदा के हमले होण लग गए जदा दियाँ लोग जोड़े है लोगों हाथ पाउन लग गए तो फिर साड़ी सेफ साइड कित्थे रह गई जी। मैं प्रशासन नू लोकल प्रशासन नू DSP साहब SHO साहब SSP साहब उन्हां नू बेनती करदा भी जिहड़ी कुड़ियां दे मगर लड़कियां दे मगर जिहड़ियां पढ़न वालियां लड़कियां दे मगर 100-100 मुंडा 50-50 मुंडे आउंदे ने जी उन्हां दे नत्थ पाई जावे तां जो साडियां जिहड़ियां बच्चियां ने भैणां ने उन्हां नू ओह सेफ हो सकन। मैं यही मांग करता थोड़े तो। बस स्टैंड ते दा वीर जी तुसी दस सकदे हो कि रश बहुत होना जी ये बहुत ही मतलब निंदनयोग घटना। बिल्कुल जी निंदनयोग घटना जी। उत्थे बड़े बंदे हैगे सीगे जिन्हां ने मतलब वो मुंडे दे भी थप्पड़ थुप्पड़ भी मारे ने उदू बाद पुलिस आई है उत्थे पुलिस ने कस्टडी दे विच आपदे लै लिया सी उन्हां नू उस मुंडे नू ते और ये बाकी ये निंदनयोग घटना जिहड़ी नौजवान बच्चियां फिर पढ़न किवें आउणगीआं जी साडे इत्थे जिहड़े माँ बाप किवें भेजणगे उन्हां नू किहड़े हौसले नाल भेजणगे जां बच्चियां किहड़े हौसले नाल होणगीआं। असी प्रशासन तो बार बार यही बेनती करते हैं भी इन्हां जे शरारती अंसरां ते नत्थ पाई जाए तो बनदी कारवाई की जाए। हाँ जी बच्ची आ रही सी स्कूल बस तो उतरी है जी। बस तो उतरी है जी बच्ची नूं कोई 2-3 अणपछाते मुंडे जिहदा दस्से जा रहे उन्होंने कुट्टिया मारिया जी ते बच्ची घबरा गई उत्थे डिग गई बच्ची दा जी। उस तो डिगन तो बाद उत्थे जिहड़े बंदे खड़े से उन्होंने लिया के बच्ची नूं चक के पानी पूनी पिया जी तो उस तो बाद सानूं पता लग असी पहुँचे हैं जी। उस तो बाद बच्ची की किन्नी उम्र है जी कि क्लास पढ़ती है? बच्ची 15 साल की है जी गुड़िया प्लस 1 च पढ़ती है जी। तो हुण वो जिहड़े शख्स सीगे कोई उन्हां दा पता लग सकिया जी जां दाखल अरैसट कर ले कोई? हाँ जी अरैसट कर ले जी। हाँ जी उन्हां नूं ते फूस मंडी दे दस्से जा रहे जी बच्चे। हुण तुसीं की मंग करदे हो? मैं मंग करदा इन्हां ते सख्त कार्रवाई होवे जी इन्हां ते। हाँ जी अंकल मैं 10-15 दिन तो मैं छेड़ा सी और मैं कहता भी तू मेरे नाल गल कर। मैं क्या मैं नहीं करनी। अज जो मैं बस चो उतरी तो उन्हें मैं पिछों गुत फड़ के ते मेरे नाल अश्लील हरकत करन दी कोशिश की। मेरे उसने मैं बहुत कुटिया तो मैं बेहोश हो गई तो फिर उन्हें मेरे ढिड च लत्तां मारियां तो फिर उत्थे सारे कट्ठे हो गए तो वह मुंडा भज गया सी। फिर उन्हें फड़िया तो उस तो बाद पुलिस आ गई। सुबह करीब 2:30 एक बस स्टैंड से घटना वापरी सी। लड़का सी विजय सिंह सानू राजेंद्र सिंह वासी उस मंडी का। इन्हें किसी पे अटैक करके कुटमार की विशेषण की थी। वो संबंधी जरा मुकदमा नंबर 146 353 353 डी 323 और 161 दर्ज हुआ। उसकी रेस्ट हो गई तो उन्हें तकलीफ की जा रही है।